वैसे तो हम यहाँ कई बार आए हैं, लेकिन आज की जो एनर्जी है वो थोड़ा ज्यादा है। थैंक यू संजीव छिबर जी, चेतन हांडा जी। मैं आज धन्यवाद करता हूँ अरुण आनंद जी का। अरुण आनंद जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो सदस्य हैं और उन्होंने ही मेरा परिचय कराया संजीव छिबर जी से और चेतन हांडा जी से, और मैं यहाँ पे हूँ। मुझे ये पता है कि आपकी जो ये कंपनी है ये भारत की टॉप फोर में आती है, टॉप फोर कंपनीज में आती है। और अब देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा आपको भी लग रहा होगा, अच्छा जो गेस्ट आ रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। इस देश में जितने भी ऐसे लोग जो देश की खुशी देखे होंगे वो यही चाहते होंगे कि लोग अपने पैरों पे खड़ा हो। और अगर ये कंपनी इतने लोगों को पता चला कि ये लाइव हो रहा है पूरे देश में और भी लोग अपनी अपनी जगह बैठ के इसको देख रहे हैं, है ना। जो जो देख रहे हैं दिल्ली के बाहर सबको नमस्कार, जय हिंद। गैलवे के सभी सदस्यों को, मैं मनोज तिवारी, जो मैं भी आप ही की तरह हूं, एक गांव में पैदा हुआ, हाई स्कूल तक गांव में रह के पढ़ा। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वहां से यहां तक आएंगे, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम आपकी तरह हैं। आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने नहीं सोचा होगा कि हम कभी, हमारी जिंदगी इतनी खास होगी, आप गैलवे के पार्ट बनेंगे, लेकिन बन गए, आ गए और फिर छा गए। तो मैं आप लोगों को जब देख रहा हूं ना, आपकी खुशियां देख रहा हूं, जब यहां पे इतने सारे लोगों को आपने बुला लिया, क्या आरडी नहीं, अच्छा आरडी लोग तो खड़े हुए थे, हाँ आरडी खड़े हुए थे और डायमंड इधर बुलाए गए थे। तो मैं सोचा इतना आदमी यार कितने डायमंड रखे हो आपने, सोचे दो चार डायमंड होंगे, तो यहाँ तो डायमंड भी इतने हो गए कि स्टेज छोटा हो गया। आमतौर पे स्टेज भरता नहीं है संजीव जी, तो डायमंड से जो स्टेज भर जाए यार कुछ तो बात हो ही यार। मैं गैलवे के लिए आज मेरे मन से बहुत आदर निकल रहा है, लॉट ऑफ थैंक्स जिन्होंने ये सोचा, जिन्होंने सपना सजाया और कई लोगों का सपना बना है। अभी मुझे पता चला कि आप टॉप फोर में हैं, मैं चाहता हूं आप नंबर वन हो जाएं बहुत जल्दी। क्योंकि कहते हैं ना कि अभी तो यात्रा शुरू हुई है, अभी तो ये शुरुआत है। क्योंकि मैं देख रहा हूं सब जो है कोई 35 साल से ऊपर तो नहीं मुझे दिख रहा है यहां पर, और तो हमारे प्रधानमंत्री जी सही बोलते हैं कि जो हमारे 65% देश के लोग हैं वो 35 साल से नीचे हैं, उन्हीं को आप खुशियां दे रहे हैं। हमें लग रहा है हम लोग जो सोच रहे हैं वैसा हो रहा है। लेकिन अभी यहीं नहीं, अभी संतोष नहीं करना है, अभी बहुत दूर जाना है आप सभी लोगों को। वो एक लाइन है ना कि अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहां फिर मुलाकात हो। अभी आजकल ना मुझे नींद अच्छी आने लगी है। आप लोग, मुझे नींद अच्छी इसलिए आने लगी है कि मेरा जीवन किसी दूसरे के काम आने लगा है। अब मैं पिछले 4 साल से मुझे कोई भी कहीं पकड़ लेता है, रुको ये मेरी प्रॉब्लम है,
और मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि अब मैं दूसरों के लिए थोड़ा सा समय दे रहा हूं, जी रहा हूं, और शायद गलवे भी अब दूसरों के लिए जी रहा है, ये थोड़ा सा समानता हम लोगों में। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं आगे के करियर की शुभकामना दूंगा, आप और भी अच्छा करें। आप जो काम कर रहे हो ना, अपने भाग्य निर्माता आप खुद हो। आप जितना मेहनत करेंगे आपको ये कंपनी उतना ही, अभी तो डायमंड बना रही है, पता नहीं आगे और कुछ हो तो। सो सब तरफ जो दाहिने तरफ बैठे हुए हैं, देखो ये बहुत खास है, अब इधर भी बैठने का मन तो इधर करता ही होगा, इधर से हर भजन गए होंगे, भारद्वाज जी गए होंगे तो सब हाथ वाथ भी मिला लिए होंगे, लेकिन आप वहां बैठ के भी उतने संतुष्ट हो यार, ये बहुत खास बात है। आप पीछे जो वहां ऊपर बैठे हैं लोग, जो सबसे पीछे बैठे हैं, इधर ऊपर बैठे हैं ना, हाँ, उधर भी जो लोग कोने में बैठे हैं, इसी को तो करते हैं संतोषम परमम सुखम। एक आदमी हमसे, जैसे मैं अपनी बात खत्म करने के पहले, अगर आपको सुख चाहिए, सुख, तो हमारे वेदों शास्त्रों ने, भारतीय संस्कृति ने बताया है, विद्या, पहले विद्या चाहिए, विद्या से विनय आएगी, विनय से योग्यता आएगी, योग्यता से धन आएगा, धन को धर्म में खर्चा करोगे तब आपको सुख मिलेगा। ये मत सोचिए जा कि मनोजवा बहुत विद्वान भाई से क्या हुआ। मैंने ये श्लोक पढ़ा, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता, पात्रत्वा धनम आपनोति धन धर्म ततः सुखम। कितना सुख पाने के लिए बहुत लंबा रास्ता है, विद्या विनय योग्यता धन धर्म तब सुख, और अगर आपको परम सुख पाना हो उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं जी, हमारे शास्त्रों ने कहा है संतोषम परमम सुखम। ये इसको मैं इसको खास बात मानता हूं और इसको सैल्यूट करता हूं आप सभी को। तो मैं ज्यादा टाइम ले लिया, मुझे अभी मैंने तो बिना कहे गा दिया था। वैसे अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके। ओ इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में, गाड़ के झंडा रख ले रही है, जय है जहां संसार में, जय है जहां संसार में। वीर कुंवर सिंह मंगल पाड़े, अब्दुल हमीद या बहिनों बाड़े, हमनी के परिवार में गाड़ के झंडा रख ले रही है। तो आप ध्यान दीजिए, मैं ब्रेडिंग कर रहा हूं ना, मैंने एक और गाना मिला मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाने को, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, हर जिया हो भारत के बाला, जिया 10,000 साल, और जिया तू हजार, तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा, ये भैया
तनी नाची गाई सबके मन बहलावा भाई, हो सांस फुला के आटिक मान बढ़ावा भैया। तनी सांस फुला के फूकत धूल, अच्छा ताली बजा रहे। तनी सांस फुला के फूकत धूल उड़ावा ये भैया, अपने गलवे के तू यौरी जरा उठावा ये भैया। देखो भाई, इतना भी आफ्टर ऑल आई एम हियर फॉर गलवे एंड भारत माता की, लव यू, थैंक यू वेरी मच।